इस बनियागीर मीडिया ने रहबरे आजम चौधरी छोटू राम को सिर्फ एक कौम का मसीहा बनाने की घृणित चेष्टा की है। दिल्ली से पेशावर तक रहबरे आजम की कलम सूदखोरों पर चली थी और अपने यहाँ तो सूदखोर महाजनों का असहाय किसानों पर 6.96 चल 4 माफ करे, अब 100 रुपए में अपना घर, गाड़ी, बैल और धरती का अंगूठा टेक जा। इस जुलम से मुक्ति चौधरी छोटू राम ने एक कौम को नहीं दिलवाई थी, दिल्ली से पेशावर तक हर किसान को दिलवाई, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था या सिख था। रहबरे आजम ने सिर्फ सूदखोर महाजनों की बहिया जलाई थी और आज वो ही लोग मीडिया के मालिक हैं और सत्ता में भी बैठे हैं। कुछ हमारे बीच के भी गद्दार हैं जो आज उनके हुक्के भरते हैं, जिन्होंने चौधरी छोटू राम को एक जाति के दायरे में समेटने की विभत्स चेष्टा की है। चौधरी छोटू राम गरीब, मजदूर व असहाय किसानों का मसीहा था, किसी एक कौम का नहीं। रहबरे आजम आज के इन बहुरूपीय नेताओं की तरह हिंदुओं, मुस्लिमों, जातियों में विष बांटने वाला सौदागर नहीं, सर्वधर्म सर्वजाति का मसीहा था। जुमलों से बाहर निकलो और अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखो, कैसी शोषित सांसें हुआ करती। आज अपना अतीत भूलकर फिर उन्हीं महाजनों के मन की बातों पर फिदा हो। चौधरी छोटू राम के व्यक्तित्व वह भारत विभाजन के बारे में पाकिस्तानी मूल के स्वीडन में बसने वाले स्वीडन हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सैयद आसिफ सहकार के विचार, जैसे एक मुर्गी अपने पंजों में अपने चूजों को छुपाकर उसे चील से बचाती है, इसी तरह सर छोटू राम सभी पंजाबियों को विभाजनकारी और भ्रष्ट मजहब की चीलों से बचाए हुए थे। इनमें से कोई हिंदू, कोई मुस्लिम और कोई सिख नहीं था, सबके सब पंजाबी थे। जब बाकी हिंदुस्तान में लोगों को मजहब के नाम पर बांटा जा रहा था, उस वक्त भी पंजाब में सर छोटू राम की वजह से सभी पंजाबी अभी तक इकट्ठे थे। जनवरी 1945 में सर छोटू राम की मृत्यु के बाद उनकी यूनियनिस्ट पार्टी नाइंसाफी और टूट फूट का शिकार हो गई, जिससे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अकाली दल को पंजाब के लोगों को मजहब के नाम पर बांटने का मौका मिल गया और उन्होंने पंजाबियों को मजहब के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। मेरा दावा है कि अगर सर छोटू राम जिंदा रहते तो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता और ना ही 10-12 लाख निर्दोष हिंदू, मुस्लिम व सिख मारे जाते और ना ही लाखों पंजाबी अपने पुश्तैनी घरों से उजड़कर शरणार्थी बनते। उस नक्शे में एक पंजाब होना था। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।